हेलो दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं आपके कुछ प्रॉब्लम के सलूशन लेकर। हमारी व्यूअर हमसे कहती हैं कि सेक्स के समय उनके हस्बैंड का ध्यान इधर से उधर भटकता रहता है और उन्हें बार बार स्टार्ट करना पड़ता है। कई बार तो उनके हस्बैंड इस बात से परेशान होकर ऑर्गेज्म से पहले ही गिव अप कर देते हैं। उनका मूड स्विंग करता रहता है और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो हमसे ये जानना चाहती हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर आया जाए। देखिए, ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा कॉमन होता है। और जिन लोगों में ये होता है उनको समय को मैनेज करने में, किसी भी काम को ऑर्गेनाइज तरीके से करने में, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने में, यहाँ तक कि एक जॉब पर लंबे समय तक टिके रहने में भी प्रॉब्लम होती है और उनके रिलेशनशिप भी ठीक नहीं रहते। इस वजह से उन लोगों में हीन भावना पैदा हो जाती है और वो लोग नशे के शिकार भी हो सकते हैं। उनका मूड हर वक्त स्विंग होता रहता है, वो किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हर वक्त बोरियत महसूस होती रहती है। और जिन पुरुषों में भी ADHD है उनका रिलेशनशिप सही तरीके से टिक नहीं पाता है, सही तरीके से रह नहीं पाता है और उनको सेक्स लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ADHD होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हेरिडिटी, यानी कि उनकी फैमिली में पहले से चली आ रही है, या फिर ब्रेन केमिकल में इम्बैलेंस होना, या फिर आपकी प्रॉपर डाइट ना लेना किसी नशे की वजह से, या फिर टॉक्सिन के संपर्क में आने से भी हो सकता है और इसका इलाज पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, मेडिकेशन और थेरेपी से इसको मैनेज किया जा सकता है। जिन लोगों में ADHD होता है उनमें सेक्स इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी सेक्स करने की इच्छा एकदम खत्म हो जाती है, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि उनमें इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो सेक्स के बारे में सोच सकें, या फिर वो सेक्स से बोर ही हो जाते हैं और इस वजह से उनके और उनके पार्टनर के रिश्ते में खटास आ जाती है। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ केस में ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की सेक्स ड्राइव इतनी बढ़ जाती है कि आप उन्हें सेक्स एडिक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ों को डालना होगा जिससे आप अपने पार्टनर की अटेंशन अपनी तरफ खींच सकें। आपको सेक्स पोजीशन में बदलाव लाने होंगे, आप अपनी लोकेशन को चेंज कर सकती हैं जिससे आपके पार्टनर का मूड फ्रेश होगा, उनको बोरियत नहीं लगेगी और उनकी लाइफ मज़ेदार हो जाएगी। आप अपने पार्टनर के साथ ADHD के बारे में खुलकर बात करें। अगर उनको लाइट्स या फिर परफ्यूम से कोई प्रॉब्लम है तो उसे अवॉइड ही करें। उनकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर योगा और मेडिटेशन करें। हो सके तो सेक्स के लिए आप टाइम और डेट फिक्स करें और उसे फॉलो करें। और हाँ, आप ये भी कर सकती हैं कि सेक्स के टाइम को चेंज करके भी देख सकती हैं। और आखिरी बात, उनको मोटिवेट ज़रूर करें, फिर देखिए कि आपकी सिचुएशन में सुधार ज़रूर आएगा। आई होप कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। आप ऐसे ही हमें ईमेल्स भेजते रहिए और हम जल्द से जल्द आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते रहेंगे। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। हेलो दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं आपकी कुछ प्रॉब्लम्स के सलूशन लेकर। हमारी व्यूअर हमसे जानना चाहती हैं कि क्या उन्हें BDSM सेक्स करना चाहिए, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को खुश करना चाहती हैं। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।